वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए मैं आपको रेडी ब्लाउज सिला हुआ जो रहेगा 4 टक्स का, उसके अकॉर्डिंग कटिंग बताऊंगी। तो आप देख सकते हो ब्लाउज पीस के ऊपर एकदम इजीली ब्लाउज कटिंग का तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले जो रेडी ब्लाउज है उसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करके उसको अच्छे से सेट कर दीजिए। ब्लाउज को आगे की तरफ फोल्ड करके वापस एक बार फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि पहले बैक साइड का भाग कटिंग करना है तो बैक साइड की तरफ फोल्ड होना ज़रूरी है। इस तरह से ब्लाउज को अच्छे से खींच के सेट कर दीजिए। देखिए जो ब्लाउज पीस है जिसकी कटिंग करनी है उसको आप अच्छे से डबल फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके जो बंद भाग है उस बंद भाग की तरफ बैक साइड का भाग बनेगा। तो जो रेडी ब्लाउज है उसकी पहले लंबाई नाप लेंगे। तो रेडी लंबाई है इसकी 15 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 16 इंच लंबाई लेंगे। तो 16 इंच पे बंद भाग की तरफ एक निशान कर देंगे। अभी देखिए कंधे का निशान देख लेंगे, तो कंधा है 3 इंच रेडी है। और गले का नाप निकालने के लिए आप ब्लाउज़ को किधर भी रख दीजिए, एक सीधा शेप देखने के लिए आप कहीं पे भी रख के उसको सेट कर सकते हो। तो जो बगल की गोलाई है उसकी सिलाई से लगा के सीध देख लीजिए, 5.5 इंच आए हैं। तो 5.5 इंच में 3 इंच कंधे का निकाल देंगे, 2.5 इंच का गला रहेगा। इस तरह से देखिए 2.5 इंच का गला और 3 इंच का कंधा इस तरह से सेट कर दीजिए। अभी देखिए आर्मोल की लंबाई निकालने के लिए जो आर्मोल का शेप है वहाँ पे एक सीधा लाइन कर दीजिए, एकदम इजीली बताऊँगी आपको। और सीधी लाइन करके इसकी लंबाई चेक कर दीजिए। देखिए 6 इंच तक है आर्मोल की लंबाई, तो जहाँ पर 3 इंच पर निशान किया है वहाँ पर आर्मोल की लंबाई 6 इंच पर सीधा लाइन कर दीजिए। अभी देखिए छाती का नाप लेंगे, तो छाती का नाप लेने के लिए जो रेडी सिलाई का लिया हुआ है नाप वहाँ से कपड़े को फोल्ड कर दीजिए। और जो बैक साइड का भाग है, पीछे का बंद भाग है, वहाँ का सीध देखिए आप सीधा सेट कर दीजिए। 9.5 इंच है चेस्ट का नाप, तो 9.5 इंच पे एक निशान कर देंगे। इस तरह से देखिए 9.5 इंच पर एक मार्क कर देंगे। एक्स्ट्रा जो आपको 1.5 इंच या 2 इंच जितना मार्जिन रखना है उस तरफ से आप मार्जिन रख दीजिए। मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है, तो देखिए टोटल 11.5 इंच हो गया है। तो कमर में 11 इंच लेंगे, जितना छाती का भाग आएगा उसमें 0.5 इंच कम कमर ले लीजिए और साइड भाग को आप मिला दीजिए। अभी देखिए जो कॉर्नर का भाग है इस कोने से आप 1.5 इंच पर एक निशान कर दीजिए। इसमें आपका 1 इंच पर निशान आए चाहे 1.5 इंच पर आए, बगल की गोलाई आनी ज़रूरी है। 0.5 इंच ऊपर सिलाई का छोड़ देंगे। अभी देखिए इसके आर्मोल की गोलाई चेक करेंगे। रेडी ब्लाउज में जितनी आर्मोल की गोलाई है 8.5 इंच आई है, तो यहाँ से देखिए 8.5 इंच अपनी आनी ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो 0.5 इंच सिलाई छोड़ के 8.5 इंच रेडी नाप आ गया है। अभी नेक का नाप लेंगे, तो नीचे से गला कितना है छोड़ना है, तो 4 इंच रेडी है। मैंने 0.5 इंच सिलाई का लिया है। अगर आपको डोरी नहीं लगानी है तो नीचे से ज़्यादा ब्रॉड नहीं लेंगे, 2.5 इंच पे ही लेंगे। इस तरह से दोनों निशानों को मिला देंगे और इसी के अंदर गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह से देखिए अगर यहाँ पे डोरी लगानी है तो आप गले को कितना भी ब्रॉड रख सकते हो, आप चाहे तो कितना भी ब्रॉड रख सकते हो, बाहर की साइड से शेप दे सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादा ब्रॉड नहीं लेना है। अभी देखिए पीछे टक्स का भाग लेंगे, तो 4.5 इंच चौड़ाई में और 4.5 इंच लंबाई में टक्स का निशान कर देंगे और 0.5 इंच की नीचे से टक्स ले लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ निशान कर देंगे और बैक साइड की कटिंग कर देंगे। आप देख सकते हो बैक साइड का भाग रेडी हो गया है। इस तरह से आप आराम से नाप लेकर कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे हल्का सा कट लगा देंगे टक्स वाले भाग में। अभी देखिए स्लीव की कटिंग करेंगे, तो जो साइड में जो भाग बचता है कपड़े में, साइड का भाग है उसको फोल्ड कर दीजिए। देखिए आर्मोल की गोलाई जितनी थी, तो आर्मोल की गोलाई 8.5 + 2 = 10 इंच जितना था, तो कपड़े को भी 10.5 इंच जितना फोल्ड करेंगे ताकि कपड़ा ज़्यादा वेस्ट ना हो। जितनी आर्मोल की गोलाई आए उतना कपड़े को फोल्ड कर दीजिए। अभी देखिए स्लीव की लंबाई का नाप लेंगे,
जो कपड़े में बंद भाग वाला है वहाँ से रेडी लंबाई का नाप लेंगे, तो रेडी लंबाई 4.5 इंच है। तो आप देख सकते हो मैं अलग अलग नाप लूँगी, तो आप देखिए पहले 1/2 इंच नीचे निशान कर दूँगी, सिलाई के लिए निशान कर दिया है नीचे की तरफ, और उसके बाद में आप 4.5 इंच रेडी जितना स्लीव है वहाँ पर निशान कर दीजिए, और 1/2 इंच ऊपर सिलाई मार्जिन रखने के लिए निशान कर दीजिए। इस तरह से आप निशान कर दीजिए अलग अलग। यहाँ से देखिए जो पूरी लंबाई का निशान है मार्जिन के साथ ऊपर 1/2 इंच छोड़ा था, वहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान कर दीजिए ताकि आरमोल की गोलाई आराम से बन सके। अभी देखिए रेडी जो आरमोल की गोलाई 8.5 इंच थी, तो मैंने 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। अभी आप देखिए जो रेडी सिला हुआ ब्लाउज हो उसके स्लीव की चौड़ाई का नाप लेंगे, तो स्लीव की चौड़ाई फिटिंग जहाँ तक है 6 इंच तक फिटिंग है, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन वाला भाग। तो यहाँ पे पहले 6 इंच पे निशान कर देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का। अगर आपको 1.5 इंच सिलाई रखनी है तो आप 1.5 इंच तक ले सकते हो। अभी देखिए साइड भाग की लंबाई भी आप चेक कर दीजिए, अगर किसी को कम लंबाई होगी तो उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हो। तो ये देखिए रेडी 1.25 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने सिलाई का लिया है, ऊपर और नीचे की तरफ 2.25 इंच पे एक निशान कर देंगे। भी देखिए यहाँ पे मैं वापस 2 इंच पे एक निशान कर दूंगी, जो ऊपर का भाग में कटिंग नहीं करेंगी, जो 2.25 इंच पे निशान आए हैं वहीं से ही कटिंग करेंगे, और पूरी लंबाई सिलाई के साथ में जहाँ पे निशान किया था वहाँ से आप शेप दे दीजिए, हल्का सा गोलाई शेप देके 8.5 के ऊपर मिला दीजिए। इस तरह से देखिए स्लीव की कटिंग कर देंगे। अभी देखिए एक सेंटर में कट लगा दीजिए, और जहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखा था वहाँ पे आप कट लगा दीजिए। आगे का शेप देने के लिए देखिए हल्का सा 1/2 इंच पे शेप देंगे, तो 2 भाग को आप सीधा कर दीजिए स्लीव को, और जहाँ पे मार्जिन का निशान किया था वहाँ तक देखिए आप इस तरह से कपड़े को रख दीजिए, और सेम इसके अकॉर्डिंग 1/2 इंच पे शेप दे दीजिए गोलाई का। इस तरह से आगे का जो फ्रंट साइड में जॉइंट करेंगे स्लीव, तो आप एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं इस तरह से कीजिए कटिंग, बहुत इजी तरीके से है ये। अभी देखिए आप एक निशान कर दीजिए ताकि जॉइंट करते समय आपको आराम से पता चले कि ये आगे की साइड में स्लीव को जॉइंट करना है। अभी आप देख सकते हो फ्रंट साइड का भाग कटिंग करेंगे, तो फ्रंट साइड का भाग कटिंग करने के लिए पहले बैक साइड को रखेंगे, इस तरह से उसको अच्छे से सेट कर देंगे, पहले आर्मोल की गोलाई को इस तरह से सेट करके। देखिए पहले पूरी लंबाई का निशान करेंगे, और पूरी लंबाई के नीचे 1.5 इंच पे एक निशान करेंगे, जो 1.5 इंच बेल्ट के लिए है, साथ में बेल्ट भी कटिंग होगी और ऊपर का पार्ट भी कटिंग होगा। तो आप डायरेक्ट कटिंग कीजिए इस तरह से, जितनी कमर का चौड़ाई आई थी 11 इंच कमर की चौड़ाई थी, तो आप 11 इंच पे पहले एक लाइन कर देंगे बेल्ट के लिए, कमर के अकॉर्डिंग बेल्ट को लेना है। इस तरह से देखिए अभी आर्मोल की गोलाई जितनी है सेम उसी तरह से शेप दे देंगे आर्मोल की गोलाई का। और कंधा जितना रहेगा कंधे के अकॉर्डिंग भी सेम निशान कर देंगे। इस तरह से देखिए बैक साइड के भाग को हटा देंगे, और आर्मोल की गोलाई में 1/2 इंच पे सेंटर में एक निशान करके हल्का सा शेप दे देंगे। अभी देखिए जो कंधे का निशान किया था वहां से गले की लंबाई लेंगे 6 इंच। अगर आपको गला थोड़ा डीप चाहिए तो आप 6.5 इंच तक लंबाई ले सकते हो, और मीडियम चाहिए तो आप 6 इंच तक लीजिए। अभी देखिए 3 इंच पे एक चौड़ाई का निशान करेंगे, 3 इंच सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन उसके बाद में भी आपको आराम से नाप निकालना हो तो जितना छाती का भाग होगा उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो देखिए छाती 11.5 इंच थी बैक साइड में, तो यहाँ पर फ्रंट साइड में 12 इंच तक लेना है चौड़ाई, और हल्की सी शेप दे देंगे गले के लिए। ये देखिए इस तरह से शेप दे देंगे। अभी देखिए साइड भाग की लंबाई नापेंगे, जो रेडी सिला हुआ ब्लाउज है
वहाँ पे देखिए जो बेल्ट है वहाँ तक लंबाई नापेंगे जहाँ तक बेल्ट की सिलाई है। बेल्ट को साथ में नहीं लेना है। हाथ की गोलाई और बेल्ट तक लंबाई देखेंगे, 7.5 इंच लंबाई आई है रेडी। 1 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा लेंगे तो 8.5 इंच पे मैंने निशान कर दिया है। इस तरह से देखिए साइड भाग की लंबाई ले लेंगे। अभी देखिए हुक पट्टी की लंबाई लेंगे तो देखिए जो हुक लगा हुआ है वहीं से ही आप लंबाई लीजिए। हुक पट्टी की लंबाई 5.5 इंच है तो उसमें भी 1 इंच टक्स का ऐड करेंगे तो 6.5 इंच जितना लाइन कर देंगे। अभी देखिए जितनी कमर थी तो कमर 11 इंच थी तो उसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए तो 12 इंच होनी चाहिए। तो ये क्रॉस लाइन देखिए आप यहाँ से लगा के साइड भाग तक 12 इंच होना चाहिए। 12 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। 4.5 इंच पे एक निशान कर देंगे जहाँ से टक्स शुरू होगा। अभी देखिए साइड भाग तक सीधा लाइन कर दीजिए और हुक पट्टी की लंबाई की तरफ थोड़ा तिरछा लाइन कर दीजिए। इस तरह से देखिए ऊपर का भाग रेडी हो गया है और बेल्ट को उसके अकॉर्डिंग सीधा लाइन करके मिला देंगे। तो ये बेल्ट भी साथ में बन जाएगा और ऊपर का भाग भी बन गया फ्रंट साइड का। अभी देखिए टक्स लगाने का तरीका है तो टक्स जो रेडी ब्लाउज़ है वहाँ पे जितना टक्स लगा हुआ है मेन टक्स की जो सिलाई है वहाँ से और शोल्डर तक आप ब्लाउज़ को फोल्ड करके अच्छे से पकड़ लीजिए और ऊपर जो लाइन की है शोल्डर की जो कटिंग किया है ब्लाउज़ वहाँ पे देखिए यहाँ से लगा के उसी के सीध में एक नीचे निशान कर देंगे चौक से, जहाँ पे टक्स की सिलाई लगी हुई है वहाँ तक इस तरह से निशान कर देंगे। और नीचे जो 4.5 इंच पे निशान किया था वहाँ पे सीधा वहाँ तक लाइन करके उसको मिला देंगे और नीचे से 1/2 इंच का टक्स की सिलाई लेंगे। इस तरह से देखिए पहला टक्स, ये पहले टक्स लेना ज़रूरी है, बाकी बाद में टक्स लेंगे साइड भाग के। अभी आप 1 इंच पे ऊपर एक निशान कर देंगे और उसी 1 इंच के अकॉर्डिंग हुक पट्टी की तरफ 1.5 इंच पे निशान करेंगे, साइड भाग की तरफ 2 इंच पे निशान करेंगे और आर्मोल की गोलाई की तरफ भी 2 इंच पे निशान करेंगे। इस तरह से सारे निशान करके हुक पट्टी का जो सेंटर वाला भाग है वहाँ से हल्का सा नीचे की तरफ निशान कीजिए, एकदम सीधा निशान नहीं करना है। और साइड माप भाग में भी सेंटर देख के हल्का सा नीचे की तरफ तिरछा निशान कर दीजिए। इस तरह से सिलाई लगाएंगे तभी 1/2 इंच का टक्स लेंगे। और जो आर्मोल की गोलाई है वहाँ पे देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके सीध देख लीजिए और फिर आप लाइन कर दीजिए। आर्मोल की गोलाई में जब स्टिच करेंगे तभी हल्की सी सिलाई लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना है, 1/2 इंच से भी कम लेनी है। इस तरह से आप देख सकते हो फ्रंट साइड का भाग रेडी हो गया है। अभी इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से देखिए कटिंग कर देंगे, बहुत इजी तरीके से बताए हैं तो आप जरूर ट्राई कीजिए, आपका ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग में बनेगा। आप देखिए अगर गला आपको डीप है रखना है कि कम डीप रखना है, इस तरह से भी आप गले को चेक कर सकते हो। आप देखिए परफेक्ट गले का साइज आ गया है। अगर आपको डीप रखना है तो और हल्का सा नीचे की तरफ से कटिंग करें। देखिए आप कटिंग करें तभी हल्का सा साइड से ही कटिंग करें, एक्स्ट्रा कटिंग करें। अभी देखिए दोनों तरफ निशान करने के लिए पहले एक पार्ट हटा के उसको अच्छे से रख दीजिए और उसके ऊपर वापस दूसरा भाग रख के उसको प्रेस कर दीजिए थोड़ा अच्छे से। और दूसरी तरफ भी जो निशान बन गए हैं वहाँ पे चौक से आराम से निशान कर दीजिए।
अभी देखिए जो गले की गोलाई का शेप में से कपड़ा निकला था वहाँ से हुक पट्टी और आई की पट्टी बनाएंगे। तो एक पट्टी चौड़ी चाहिए, एक पट्टी पतली चाहिए। तो आप देख सकते हो जो बंद भाग है वहाँ से एक आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन कर दिया है और उस लाइन के अकॉर्डिंग इसको पट्टी को कटिंग करेंगे। देखिए एक में इसमें एक पतली पट्टी हो गई जो हुक पट्टी होगी और एक आई की पट्टी हो गई जो चौड़ी पट्टी होगी। इस तरह से आप पट्टियों को कटिंग करें। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसमें से निकालें एक डेढ़ इंच की चौड़ाई और एक ढाई इंच की चौड़ाई। अभी देखिए गले की पट्टी काटने के लिए तिरछा कपड़ा होना ज़रूरी है, तो इस तरह से एक लाइन कर दीजिए। इस तरह से एक इंच या सवा इंच की चौड़ाई पे पट्टियों को कटिंग कर देंगे। जितनी पट्टियाँ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग कर दीजिए। इस तरह से गले की पट्टी का कटिंग हो गया है। देखिए ब्लाउज की कटिंग हो गई है। आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।